क्या आप भी गेम में कुछ ऐसा करके अपने दोस्तों को हैरान करना चाहते हो? क्या आप सिर्फ किल करके बहुत सारे FF कॉइंस को कलेक्ट करना चाहते हो? और क्या आप भी बिना बंदों की नजरों में आए अपनी रैंक को कुछ इस तरह से पुश करना चाहते हो? तो चलो फ्री फायर के टॉप 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को देखते हैं जो आपको बाकी बंदों से हमेशा एक कदम आगे रखेगी और आपको रैंक पुश करने में काफी ज्यादा मदद करने वाली है। CS रैंक मैच में कई बार बंदे आपको सामने छत में चढ़ के मार रहे होते हैं। अगर आपको भी छत में चढ़ना है तो फटाफट से सामने रखे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाना है और यहाँ पे रखे कंटेनर की एज में अपने स्कोप को ओपन करके कुछ इस तरह से स्लोली ऊपर चढ़ना है। और यहाँ पे आपको स्लोली चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप नीचे भी गिर सकते हैं। और एक बार जब आप कंटेनर के ऊपर आ जाओगे, यहाँ से आपको एक केयरफुली जंप लगाना है छत के ऊपर। और एक बार यहाँ पे छत में आने के बाद यहाँ पे आप काफी सारे बंदे को आसानी से मार सकते हो और अपनी क्लैश कोड गेम को आप आसानी से जीता सकते हो। अगर आप नेक्स्ट्रा मैप में अपनी रैंक को पुश करना चाहते हो तो फटाफट से आ जाना है इस ब्रिज के ऊपर और यहाँ पे लगे साइड में पेड़ में आप यहाँ से जंप लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि आप इस पेड़ के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आपको स्लोली आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे आपको क्राउच होकर आगे की तरफ बढ़ना है, नहीं तो आप नीचे गिर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से लेट जाना है। यहाँ पे कोई भी बंदा आपको आसानी से स्पॉट नहीं कर पाएगा और अपने रैंक को आप यहाँ पे आसानी से पुश कर सकते हो पूरे गेम में सर्वाइव करते हुए, क्योंकि कई बार यहाँ पे गेम का जोन भी बनता है और यहाँ पे काफी सारे बंदे भी आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी बंदा आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। और यहाँ से आपको जब नीचे उतरना होगा तो यहाँ पे आपको इस छत में जंप लगाना है और यहाँ से अपने गेम को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो अगले ट्रिक के लिए आपको आ जाना है न्यू पीक के ये वाले घर में और यहाँ पे बनी 2T CD के पास आपको एक ग्लू बॉल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ग्लू बॉल लगा देते हैं इस CD के नीचे और यहाँ पे एक और ग्लू बॉल लगाना है उसी के साइड में और एक तीसरी ग्लू बॉल लगाना है यहाँ पर। और ये ग्लू बॉल लगाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर साइड बॉल की मदद से इस ग्लू बॉल के ऊपर जंप लगाना है और यहाँ से दौड़ते हुए चले जाना है यहाँ पर और यहाँ से एक जंप लगाना है इस CD के ऊपर और यहाँ से आप पहुँच जाने वाले हो फ्री फायर के एक सीक्रेट कमरे के अंदर। और यहाँ पे कोई भी बंदा आता नहीं है और बहुत कम बंदे यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बंदा आता भी है तो यहाँ पे आप आसानी से मार सकते हैं और अपनी रैंक को आसानी से यहाँ पे पुश कर सकते हैं। ओके, तो फ्री फायर में काफ़ी सारे ग्लिच देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्लिच दिखाता हूँ। आपको उसके लिए आ जाना है बरमूडा के ये वाले ब्रिज के ऊपर और यहाँ पे आपको लेट जाना है कुछ इस तरह से और अपनी गन को स्विच करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ से नीचे नहीं गिरोगे और आप लिटरली हवा के ऊपर तैरने वाले हो और यहाँ पे जो भी आपको देखेगा वो हैरान हो जाने वाला है कि आप यहाँ पे हवा में कैसे तैर रहे हो। और यहाँ पे जब भी आप अपने स्कोप को कहीं भी घुमाओगे तो आपका कैरेक्टर भी यहाँ पे हवा में घूमने वाला है, जैसे कि मैं आपको कुछ उस तरफ स्कोप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि मेरा पैर जो है वो ब्रिज के अंदर जा चुका है, बाकी मेरा जो कैरेक्टर है वो बाहर की तरफ कुछ इस तरह से अटका हुआ है। तो यहाँ पे आपके दोस्तों को भी आप हैरान कर सकते हो ये ट्रिक करके। ओके, तो नेक्स्ट ट्रिक के लिए आपको आ जाना है बरमूडा के कटुली स्टीवा में और यहाँ से जंप करके फटाफट से चढ़ जाना है लॉन्च पैड के ऊपर। और यहाँ पे लगे सामने जो दो पेड़ है उसमें से राइड वाले में आपको यहाँ पे अपने आप को लॉन्च करना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे आप फंस जाओगे इस पेड़ के ऊपर। और यहाँ पे कोई भी बंदा आपको आसानी से स्पॉट नहीं कर पाएगा और कोई बंदा आता भी है तो यहाँ पे आप आसानी से उसको मार दोगे, क्योंकि कोई एनिमी आपको यहाँ पे स्पॉट ही नहीं कर सकता, यानी कि आपको देख ही नहीं पाएगा कि आप कहाँ से मार रहे हो। और यहाँ पे आसानी से आप अपनी रैंक को पुश भी कर सकते हो। अगर आप कटुली स्टीवा में सर्वाइव नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से आ जाना है कोटाटुआ के ये वाले पेड़ के पास और यहाँ पे लगाना है एक ग्लू बॉल कुछ इस तरह से और ये ग्लू बॉल के ऊपर चढ़ जाना है फटाफट से दौड़ते हुए यहाँ पर। और यहाँ से आपको चढ़ना पड़ेगा स्लोली पेड़ के ऊपर। अगर आप स्कोप ऑन करके चढ़ते हो तो आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं और यहाँ पे आप आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे और यहाँ से आप किसी भी एनिमी को पीक लेके मार सकते हो और कोई भी एनिमी आसानी से आपको यहाँ पे स्पॉट नहीं कर पाएगा। और रैंक मैच में तो काफ़ी सारे एनिमी यहाँ पे आते हैं और कई बार यहाँ पे जोन भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खुला एरिया है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। ओके, तो ये ट्रिक काम आने वाली है सबसे ज़्यादा आपको CS रैंक के अंदर। आपको आ जाना है इस वाली जगह पर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ और यहाँ से आपको जंप लगाना है ऊपर की तरफ जहाँ पे एक सैटर्न का मॉडल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से काफ़ी सारे बंदे को आप आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी बंदा यहाँ पे स्पॉट नहीं करने वाला है। और यहाँ से आप आसानी से अपने CS रैंक मैच को जिता कर अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। फ्री फायर में अपडेट के बाद एक नया स्किल स्लॉट ऐड हुआ है जिससे आप एक ही गेम में दो दो स्किल को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी वेंडिंग मशीन आती है, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल एयर ड्रॉप की वेंडिंग मशीन में देख सकते हैं, यहाँ पे आप फ्री में किसी भी कैरेक्टर की स्किल को यहाँ पे
बाय कर सकते हैं और इन स्किल को अपने साथ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन अपनी वेंडिंग मशीन होती है यहाँ पे भी आपको स्किल देखने को मिल जाएगी, बट इसके लिए आपको कॉइन्स को खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दो दो स्किल देखने को मिल रही है, यहाँ पे कोई भी स्किल आप ले सकते हैं, बट आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्किल को इक्विप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही स्लॉट होते हैं जिसमें से एक तो आपकी मेन कैरेक्टर स्किल का होता है और एक यहाँ पे आप साइड कैरेक्टर स्किल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर स्किल कॉम्बो बताने वाला हूँ। आप जो भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्टिव स्किल में, उसके साथ आपको ये लगा लेना है, क्योंकि आपको गेम में काफ़ी ज़्यादा टोकन की कमी होती है, तो यहाँ पे जब आप बंदों को रिवाइव करते हो तो उसमें टोकन की कमी ना हो, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है सूजी कैरेक्टर का, जो कि हर एलिमिनेशन में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टोकन देती है। और सूजी की हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पे एक और कैरेक्टर लगाना पड़ेगा जो कि है मोको कैरेक्टर, क्योंकि सूजी जो है वो मार्किंग एनिमी को ही मारने पर टोकन देती है। और यहाँ पे आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं साथ में लिक्वेटा कैरेक्टर, जो कि आपको एचपी बूस्ट देता है हर किल में। और यहाँ पे आपको गेम के अंदर आ जाना है इसको लेकर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मेरे टीममेट ने यहाँ पे टोकन लूटा है तो मेरे को यहाँ पे 200 की जगह 300 टोकन मिले हैं। और साथ में आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे मेरे को 300 टोकन मिले हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे 200 टोकन मिलते हैं और जब यहाँ पे मैं एनिमी को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे 400 टोकन मिले हैं, क्योंकि मेरे पास पहले 600 थे, फिर यहाँ पे 1000 हो गए हैं और एनिमी के पास से मेरे को और टोकन यहाँ पे मिल गए थे। जब मैं इस टोकन वाले को यहाँ पे लूटता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 300 टोकन एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे पहले 200 टोकन मिलते थे, यहाँ पे मेरे को 300 टोकन मिल रहे हैं। तो इस कैरेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे आप अपने बंदों को आसानी से रिवाइव कर सकते हो, टोकन की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ओके, तो ये ट्रिक कई लोग को पता होगी, बट अभी भी कई लोग ये ट्रिक को यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आपको इस घर के ऊपर आ जाना है पोचनी ऑक में, और यहाँ पे बनी चिमनी के ऊपर आपको जंप करना है कुछ इस तरह से, और अपने बंदे को कुछ इस तरह से बिठाना है कि ये चिमनी के सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने बंदे को मैं सेंटर में बिठा देता हूँ, और अब आपको अपने नेटवर्क को ऑफ कर देना है और यहाँ पे अपने ट्रिपल लाइन होने का यहाँ पे वेट करना है। और जैसे ही यहाँ पे ट्रिपल लाइन होता है अपने बंदे को यहाँ से सीधा सीधा भगाना है पीक की तरफ, और जैसे ही यहाँ पे अपना बंदा पीक की तरफ आ जाएगा यहाँ पे आप अपने नेटवर्क को रीओपन कर देना। और जैसे ही आपका नेटवर्क वापस आएगा आप देखोगे कि आपका कैरेक्टर जो है चिमनी के अंदर चले जाएगा और यहाँ से आपको कोई भी स्पॉट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कोई भी बंदा आपको बाहर से नहीं देख पाएगा। और आप अपनी रैंक को आज भी यहाँ से आसानी से पुश कर सकते हो, लेकिन याद रखना कभी भी कोई ग्लिच करो तो वहाँ से आप किसी भी बंदे को मारना नहीं बाहर की तरफ, नहीं तो वो आपको रिपोर्ट मार देगा, वो गरीना आपको उसके लिए पेनाल्टी भी दे सकता है। इसलिए आप यहाँ से किसी बंदे को मारना नहीं, यहाँ से आपको सिर्फ सर्वाइव करना है, और जब आपका काम हो जाए तो आप आसानी से जॉयस्टिक का यूज़ करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और यहाँ से अपने गेम को आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको किसी को मारना नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की टॉप 10 फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक एंड कमेंट जरूर करना वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख के चले जाते हो, तो प्लीज़ यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली है आगे चल के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।